गैस आज के इस वीडियो के बाद आप कभी पूछोगे नहीं कि लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन कैसे करते हैं किसी नोट का, मैं आप लोगों को एकदम क्लियर करके क्योंकि बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी कर लेना, बहुत कम लोगों ने एक्सेस करी है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं एक बात कि आप में से कई लोगों ने इसको शेयर किया है इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करके। अगर आपको करना है तो आप @codewithhari पर मुझे टैग कर सकते हैं। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करे, ठीक है। तो डिलीशन कैसे करना है लिंक्ड लिस्ट के अंदर ये देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, एक लिंक्ड लिस्ट बना लेता हूँ, एक लिंक्ड लिस्ट क्या कर लेता हूँ बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बड़ी अच्छी सी लिंक्ड लिस्ट बनाना चाहता हूँ। एक मैंने मान लो इस तरह से बना दिया, इसमें कुछ डेटा डाल दिया 4, और उसके बाद मान लो मैं इसको जोड़ रहा हूँ एक दूसरी नोड से इस तरह से, और मैं यहाँ पर मान लो दे रहा हूँ 3, और यहाँ पर एक और पॉइंटर, और मैं इसको जोड़ रहा हूँ एक और नोड से, और इस तरह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 8 मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, और वापस से एक और मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंटर से जोड़ दिया। और यार आप भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ो, मैंने यहाँ पर मान लो 1 डाल के इसको नल से पॉइंट करा दिया, क्या करा दिया इसको मैंने नल से पॉइंट करा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, देखो ये जो लिंक्ड लिस्ट मैंने बनाई है इस पर मैं अभी ऑपरेशंस की बात करूँगा, डिलीशन ऑपरेशन की बात करूँगा कि किस तरह से डिलीशन किया जा सकता है इस पर्टिकुलर लिंक्ड लिस्ट में, ठीक है। तो ये जो लिंक्ड लिस्ट मैंने बनाई है तो बड़ी सिंपल सी प्यारी सी लिंक्ड लिस्ट है। इसमें से अगर मैं कोई भी एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर उसके केसेस यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं केसेस लिख लूँगा और वो केसेस मैं यहाँ पर लिस्ट करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को अपना ये वाला वीडियो दिखाता हूँ, मतलब पूरा नहीं दिखाऊंगा मैं, बस आप लोगों को वो 4 केसेस यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो कि मैंने इंसर्शन में डिस्कस किए थे। इंसर्ट एट द बिगिनिंग पहला केस था जो कि हमने डिस्कस किया था। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वापस जाऊँगा और यहाँ पर जो पहला केस है वो डाल दूंगा डिलीटिंग द फर्स्ट नोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड हमारा यहाँ पर पहला ये हो जाएगा। फिर अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो दूसरा केस है मेरा, जिस तरह से यहाँ पर इंसर्ट इन बिटवीन था उसी तरह से यहाँ पर डिलीटिंग अ नोड इन बिटवीन, अ नोड बिटवीन इन बिटवीन, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, बीचों बीच आप अगर लिंक लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो। इसके बाद इंसर्ट एट द एंड था, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि डिलीट द लास्ट नोड, ठीक है, द लास्ट नोड। और उसके बाद यहाँ पर जो आखिरी मेरा केस है वो क्या है, वो रहेगा मेरा डिलीट अ नोड विद अ की, ठीक है, अ नोड विद अ गिवन की, गिवन वैल्यू, ठीक है, की कह लो, वैल्यू कह लो, डेटा कह लो, कई नाम है इसके। कई कई क्वेश्चनों में आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं यहाँ पर आप लोगों को की देखने को मिल जाएगा। तो ये लिंक्ड लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, थोड़ी सी टेढ़ी बना दी है, बट यहाँ पर हम लोग इन चारों केसेस को डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा पहला केस है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं ज़रा पहले केस की बात कर लेता हूँ। पहला केस मेरा होने वाला है डिलीटिंग द फर्स्ट नोड। तो मान लो आपका ये हेड पॉइंटर जो है वो इस पर पॉइंट कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह है हेड पॉइंटर जो कि यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस पहले वाले नोड को, तब मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरा नोड है मैं कहूँगा देखो भाई इस नोड को जाओ भूल, इस नोड को क्या जाओ, इस नोड को जाओ भूल, और हेड को पॉइंट करा दो यहाँ पर, ठीक है, और ये जो लिंक है इसको तोड़ दो। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि यार चलो ठीक है, मैंने हेड को पॉइंट करा दिया वहाँ पर, लेकिन अब इस नोड का जो मेमोरी मैंने हीप में है मेरी, उसका क्या होगा, ये इस नोट का होगा क्या, इसकी मेमोरी कहाँ जाएगी। तो ये एक ऐसी बात है जो आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यूज़ में, क्वेश्चंस में, कि यार जब आप डिलीट कर रहे हो नोड लिंक्ड लिस्ट का तो क्या ये मेमोरी आप लटका के छोड़ दोगे ऐसे ही, नहीं, आप इसको फ्री करोगे। ये एक डायनामिक मेमोरी है, ये आपने डायनामिकली एलोकेट करी है मेमोरी, इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर इसको फ्री करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से लिख दूंगा केस वन अपना, जो मेरा केस वन है वो है डिलीटिंग द फर्स्ट नोड, ठीक है, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड। और मैं जब डिलीट कर रहा हूँ फर्स्ट नोड तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेड पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ पर पहले हेड था मेरा उसको मुझे मेमोरी को फ्री करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, मुझे स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का एक पॉइंटर दे दो,
क्या कर दो, मुझे एक स्ट्रक्ट नोट स्टार टाइप का पॉइंटर दे दो और उस पॉइंटर को पॉइंट करा दो कहाँ पर, उसको हेड में पॉइंट करा दो, उसको हेड बना दो, यानी कि जहाँ पर मेरा हेड पॉइंट कर रहा है वहीं पर वो भी पॉइंट कर रहा है। मैं ज़रा इरेजर से इसको मिटा देता हूँ हेड को, क्योंकि हेड जो है अभी वो सीधा सीधा पॉइंट कर रहा है और मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं करना चाहता था। जो हेड है मेरा वो यहाँ पर अभी पॉइंट कर रहा है, मैं यहाँ पर एच लिख दूंगा, ठीक है, एच फॉर हेड। मैंने कहा कि एक PTR को भी पॉइंट करा दो वहीं पर जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो कहेगा आपका कंपाइलर, लो जी PTR भी ले लो, वो भी पॉइंट कर रहा है वहीं पर जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा था, अब बताओ क्या करना है। अब मैं कहूँगा देखो भाई कंपाइलर भैया, जो हेड है मेरा उसको कर दो जो हेड का नेक्स्ट है वो, यानी कि अब हेड को मूव कर दो यहाँ पर नेक्स्ट वाले नोड की तरफ। तो आपका कंपाइलर कहेगा चलो जी ठीक है, आपने कहा मैंने माना, ये लो मैंने पॉइंट करा दिया उसको यहाँ पर। अब आप कहोगे फ्री कर दो PTR को, यानी कि अब ये जो मेमोरी PTR लेके बैठा हुआ है, यानी कि जिस मेमोरी पर PTR पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये चार वाली मेमोरी, उसको फ्री कर दो। तो आपका कंपाइलर कहेगा लो जी ये भी मैंने किया, फ्री कर दिया, और बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये जो लिंक लिस्ट है कुछ ऐसी दिख रही है, देखो आप लोग ये कुछ ऐसी दिख रही है, और मैं ज़रा यहाँ पर कुछ ऐसे कर रहा हूँ, इसको इस बिंदु को मिटाने की कोशिश कर रहा था जो कि मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरी लिंक लिस्ट जो है उसमें से पहला एलिमेंट डिलीट हो चुका है। क्यों हो चुका है पहला एलिमेंट डिलीट, आप देख लो, अब 3 से स्टार्ट हो रहा है, पहले 4 थी वो। तो यहाँ पर अगर मैं वापस से कंट्रोल जी करूँ तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर किस तरह से हम लोगों ने मिटा दिया पहले वाले नोड को, पहले वाले नोड का अस्तित्व, और हमने अपनी लिंक लिस्ट को स्टार्ट कर लिया सेकंड वाले नोड से, यानी कि हमने जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था हेड नोड में, पुराने हेड नोड में, उसको फ्री कर दिया मेमोरी को और अपने हेड को हमने पॉइंट करा दिया दूसरे वाले नोड में। तो ये जो है आपका, चाहे लिस्ट का साइज n हो, चाहे लिस्ट का साइज 50 हो, 50,000 हो, 10,000 हो, 10,00,000 हो, 10 करोड़ हो, 10 अरब हो, 10 खरब हो, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना ही करना है काम। तो मुझे हर बार कांस्टेंट वर्क करना पड़ रहा है, लिंक लिस्ट के साइज़ पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ वन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिग ओ ऑफ वन हो जाएगी इसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। डिलीटिंग अ नोड इन बिटवीन को देख लेते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर केस 2 लिखूँ कुछ इस तरह से, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिलीटिंग अ नोड इन बिटवीन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिलीटिंग अ नोड इन बिटवीन। तो देखो हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें ये सारे नोड्स हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसको अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप लोगों को पहला नोड उड़ाना है। ठीक है, अब अगर मुझे बीच में कोई नोड जो है वो उड़ाना है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मुझे उसकी इंडेक्स दी हुई है। ठीक है, मुझे क्या दी हुई है, उसकी इंडेक्स दी हुई है। तो ये यहाँ पर एक तो मुझे हेड दिया होगा कहाँ पॉइंट कर रहा है, और उसी के साथ साथ मुझे इंडेक्स दी होगी। तो मान लो मैं इसको एज्यूम करता हूँ इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। ठीक है, तो अगर मुझे इंडेक्स नंबर 2 वाले को उड़ाना है, यानी कि बीच में मुझे इंडेक्स जो है वो दी हुई है, मान लो मुझे यहाँ पर इंडेक्स इंड इज इक्वल टू मान लो 2 दी हुई है, और मुझे इसको उड़ाना है। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पर जो भी एलिमेंट है मेरा नोड है उसको मुझे साफ कर देना है। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा चलो ठीक है, अगर ऐसा करना ही है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो मेरा पॉइंटर है जो 3 में पॉइंट कर रहा है, इसको मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ, अपने पेन का ब्लू कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे पॉइंट कराऊँगा। ठीक है, और ये जो 3 8 को पॉइंट कर रहा था उसको मैं यहाँ पॉइंट कराऊंगा और मैं ये 8 वाली मेमोरी को फ्री कर दूंगा। तो ये दो काम मुझे करने हैं यहाँ पर। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा कैसे, ये जो 8 है ये यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, ये 2000वें नंबर पर भी हो सकता था, 20000वें नंबर पर भी हो सकता था। तो मुझे इस तक पहुँचना पड़ेगा, पहले मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा लिस्ट को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो कंपाइलर भैया, कंपाइलर भैया कहेंगे हाँ जी बोलो, मैं कहूँगा कंपाइलर भैया मुझे यहाँ पर एक पी पॉइंटर दे दो जो कि हेड पे पॉइंट कर रहा है। तो कंपाइलर भैया कहेंगे लो जी ले लो, तुमसे बढ़ के कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको एक पी पॉइंटर मिल जाएगा यहाँ पर जो कि पॉइंट कर रहा है हेड को, यानी कि जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है वहाँ पी पॉइंट कर रहा है। आप क्या करोगे, इसको मूव कराते रहोगे कितनी बार, आप यहाँ पर क्या करोगे, एक वाइल लूप चलाओगे और वाइल लूप के अंदर आप लोग करोगे पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट। और ऐसा आप कब तक करोगे, ऐसा आप तब तक करोगे जब तक आप यहाँ पर
इंडेक्स माइनस वन वे एलिमेंट तक ना पहुंचाओ, यानी कि अगर आपको आपकी इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो आपको कितनी बार चलाना पड़ेगा इसको, आपको इसको एक बार चलाना पड़ेगा। अगर आपकी इंडेक्स की वैल्यू 3 है तो आपको एक दो बार चलाना पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर कंडीशन डालनी पड़ेगी, वो हम देख लेंगे बाद में क्या डालना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर कंडीशन की बात नहीं करूँगा, मैं अभी यहाँ पर कंडीशन को छोड़ दूंगा और मैं अभी समझ लो आ गया जो नोट डिलीट करना है उसके एक कदम पहले पर। तो P यहाँ पे खड़ा मिलेगा आपको, कहेगा लो जी मैं यहाँ आ गया, ठीक है, ये आपका P है। अब P आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को P के नेक्स्ट को पॉइंट कराना है यहाँ पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको ये जो अगला वाला P का नेक्स्ट है उसको आपको फ्री कराना है, ठीक है, यानी कि P का जो नेक्स्ट है उसको आपको फ्री कराना है। अब आपका जो P पॉइंटर है वो यहाँ आ चुका है, जो नोट डिलीट करना है उससे एक कदम पहले आ चुका है। आप यहाँ पर क्या करो, एक Q पॉइंटर बना लो, स्ट्रक्ट नोट स्टार Q बना लो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा एक मुझे Q पॉइंटर भी चाहिए, मैं कहूँगा स्ट्रक्ट नोट स्टार Q इज इक्वल टू P। मैं कहूँगा जहाँ पर P अभी है वहाँ पर Q को भी पॉइंट करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं Q को भी पॉइंट करा दूंगा, या फिर मैं काम करूँगा मैं Q को नेक्स्ट वाले पे पॉइंट करा दूंगा। तो मैं यहाँ पर Q को यहाँ पॉइंट करा दूंगा, तो मैं कहूँगा इसको P का नेक्स्ट में पॉइंट करा दो। तो मैं ज़रा सा इसको मिटा लेता हूँ और यहाँ पर कह दूंगा मैं स्ट्रक नोट स्टार Q इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, यानी कि P का जो नेक्स्ट है वहाँ पॉइंट करा दो, Q मेरा अब यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जो P का नेक्स्ट है वो Q का नेक्स्ट बना दो। मैं कहूँगा जो P का नेक्स्ट है, P का नेक्स्ट जो है वो बना दो Q का नेक्स्ट। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने P के नेक्स्ट को Q का नेक्स्ट बना दिया और ये लिंक मैंने तोड़ दिया, ठीक है, ये लिंक मैंने तोड़ दिया, P का नेक्स्ट Q का नेक्स्ट बन गया। अब ये लिंक लिस्ट तो मेरी एकदम सही हो चुकी है, मैं यहाँ पर मैंने अपना काम कर दिया, नोड मैंने हटा दिया, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस मेमोरी को फ्री करूं। तो मैं फ्री क्यू कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, फ्री क्यू कर दूंगा। मैं कहूंगा जी जो मेमोरी ले रहा था क्यू उसको फ्री कर दो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने पी को यहाँ तक पहुँचाया, जो नोट डिलीट करना था उससे एक कदम पहले तक पहुँचाया, और एक बार मैंने पी पॉइंटर को डिलीट जो मैं करना चाहता हूँ नोट उससे एक कदम पहले पहुँचा दिया। तब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो जी ऐसा है, एक क्यू मुझे दे दो पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है उस नोट से जो कि मुझे डिलीट करना है, ठीक है, जो कि मुझे डिलीट करना है। एक बार वहाँ तक मैं पहुँच गया तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा P का नेक्स्ट जो है उसको बना दो Q का नेक्स्ट, यानी कि जो Q पॉइंट Q का नेक्स्ट जहाँ पॉइंट कर रहा था P का नेक्स्ट वहाँ पॉइंट करेगा, Q तो मुझे डिलीट करना है, यानी कि 8 वाला नोट। मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा कि Q को फ्री कर दूँगा, यानी कि इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक बार मैंने Q को फ्री कर दिया तो मैं ये पूरा जो है नोट बना हुआ है इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है। तो लिस्ट अभी कुछ ऐसी दिखती है, ये लिस्ट अभी कुछ ऐसी दिखेगी आप लोगों को, देख रहे हो आप लोग। तो आपने ये जो 8 वाला नोट था वो डिलीट कर दिया, इस तरह से आप लोग ये 8 वाला नोट जो है वो डिलीट कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि आप डिलीट कैसे कर सकते हो, फर्स्ट नोट को डिलीट कैसे कर सकते हो, नोट इन बिटवीन को। अब देखेंगे कि डिलीट कैसे करना है लास्ट वाले नोट को, ठीक है। तो इसको ज़रा सा मैं यहाँ पर सफाई कर देता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पर 4 3 8 था हमारा, ये P भी हटा देता हूँ यहाँ से और ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इसको वापस से बनाते हैं, इसको तो मैं बना ही दूंगा वापस से, कोई टेंशन नहीं है। 3 को के नेक्स्ट को पॉइंट करा दिया, 8 से 8 के नेक्स्ट को इससे, और ये मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पर दिख ही रही है आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर केस 3 बनाता हूँ और यहाँ पर मैं केस 3 बना देता हूँ कुछ इस तरह से। तो जो केस 3 है मेरा वो है डिलीट द लास्ट नोट, और ये बहुत आसान है, डिलीट द लास्ट नोट, ठीक है। तो आप क्या करो, दो पॉइंटर्स लेके चलो P और Q, आपका जैसे ही Q नल हो जाए आप P के नेक्स्ट को नल कर दो और Q को फ्री कर दो, समझ लो आप P और Q को यहाँ से चलाना स्टार्ट करो, P को यहाँ रखो Q को यहाँ रखो और दोनों को बढ़ाते रहो जब तक Q का नेक्स्ट नल ना हो जाए। और जैसे ही Q का नेक्स्ट नल हो जाएगा आप कहोगे कि भाई देखो जो P का नेक्स्ट है उसको कर दो नल और फ्री कर दो Q को, ठीक है। तो ये नोड उड़ जाएगा और P का नेक्स्ट नल हो जाएगा और ये एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। मैं
अननेसेसरीली लेंदी नहीं करना चाहता वीडियो आप लोगों के लिए, जिस तरह मैंने ये काम और ये काम किया उसी तरह ये काम भी मैं कर दूंगा। और उसी के साथ साथ डिलीट अ नोट विद अ गिवन वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आपको मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, डिलीट अ नोट विद गिवन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और यहाँ पर लिखूँगा, फर्स्ट नोट विद दैट वैल्यू, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यार देखो आर्ट इसमें दो बार भी हो सकता है, तो मैं कौन सा वाला डिलीट करूँगा, मैं सिर्फ पहला जो मुझे मिल जाएगा उसको डिलीट करूँगा, ठीक है। आर्ट यहाँ पर जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं उसे डिलीट कर दूँगा, इस तरह से मैं रखता हूँ, या फिर तीन जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं उसे डिलीट कर दूँगा, तो उसका भी प्रोसीजर जो है वो एकदम सिमिलर रहेगा। मैं पॉइंटर को उसके एक कदम पहले ला के रोक दूँगा और उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर अपनाऊंगा जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनाया था। मैं आप लोगों को कोड में दिखाऊंगा ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा और मज़ा आएगा देखने में। तो एक काम करते हैं, हम लोग VS कोड में अगले वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, मैं आप लोगों को एक काम देना चाहता हूँ, Case 1, Case 2, Case 3 और Case 4 इन चारों का कोड आप तैयार करके रखो। अगर हो सके तो बना लो कोड, अगर नहीं हो सके तो कम से कम आइडिया जो है वो लगा के लिख लो। वैसे Case 1 और 2 का मैंने बता दिया, 3 और 4 का करना है आपको। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है एक आइडिया जो होता है रफ आइडिया वो लेके रख लो, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, देखेंगे कि आपने जो सोचा और मैं जो करवा रहा हूँ वो कितना इन लाइन है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पर पता चलेगी। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को वहाँ पर अपना आइडिया दूंगा कि इस तरह से डिलीट कर सकते हैं नोट को, और सारे फंक्शंस बनवाऊंगा, और फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो पहले से डिड्यूस किया फंक्शन बनाए वो कितने सिमिलर हैं, आप अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हो, और काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। मैं कहूँगा ये होमवर्क प्लीज़ करके रखो आप लोग अगले वीडियो तक। अगले वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा और आप लोगों को जो है मिल जाएगा मेरा जो कोड का सॉल्यूशन है वो। तो अभी के लिए बस इतना बोलूँगा कि अगर आपने एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की, तो प्लीज़ इसको एक्सेस करो, क्योंकि ये प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, और आप लोग इसको एक्सेस करोगे तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओगे। तो आप इसको प्लीज़ एक्सेस करो। उसी के साथ साथ आप लोग प्लीज़ इसको शेयर भी करो इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे टैग करते हो, कोड विद हैरी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप मुझे टैग करोगे तो मैं आपकी सारी स्टोरीज, जितने भी लोग टैग कर रहे हो मैं वापस से उनको शेयर भी कर रहा हूँ, और आप लोग अगर शेयर करो तो प्लीज़ टैग करना मत भूलना। उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।